हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल ऑल स्कूल्स कॉलेजेस। आज की जो मैं वीडियो लाया हूँ वो है बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में। आप में से जितने भी लोग बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। आप लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन से कॉलेजेस से बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, आपकी सैलरी कितनी होगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, आपको कौन कौन सी कंपनीज हायर करेंगी, आपको आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेट्स सी द कोर्स हाइलाइट्स। द लेवल ऑफ दिस कोर्स इज ग्रेजुएशन, ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 4 years, एग्जामिनेशन टाइप इज डिग्री कोर्स, एलिजिबिलिटी फॉर डूइंग दिस कोर्स इज 10+2, एडमिशन प्रोसेस इज एंट्रेंस बेस्ड और मेरिट बेस्ड, एवरेज ट्यूशन फी इज ₹1.5 lakh to ₹2.5 lakh पर एनम, एवरेज सैलरी इज ₹10,000 to ₹15,000 पर मंथ। गाइज, ये सैलरी फ्रेशर्स के लिए है, जो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी सैलरी एंट्री लेवल सैलरी 10,000 to 15,000 पर मंथ तक होगी। योर जॉब प्रोफाइल विल बी कॉस्ट्यूम डिजाइनर, फैशन शो ऑर्गेनाइजर, अपैरल प्रोडक्शन मैनेजर, फैशन कोऑर्डिनेटर, फैब्रिक बायर एक्सेट्रा। जान लेते हैं कि बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी इज अ कोर्स based on the application of information technology. It teaches, for example, the style of crafting cloth material from products. It teaches the knowledge of machinery which goes into making a cloth. Second, fashion designing is concerned. The course primarily deals with the designing, crafting and modeling of piece of fabric into apparel. This course also provides specializations in accessory design, leather and textile designing, etc. What should be the eligibility criteria for doing this course? Students must have passed their 10+2 examination in science subject, especially in biology, chemistry and mathematics. As most of the institutes offering this course have an entrance examination, students should appear and clear it. Common entrance exams are NIFT, GAT, NIFT's general ability test. Application are available online from October to January. TNEA, the Tamil Nadu Engineering Admission Application forms, are available online, offline in the month of May. JEE mains, guys, आप लोगों को जैसा पता ही है, दिसंबर और जनवरी की मंथ में JEE mains के फॉर्म निकल जाते हैं। इवन JEE mains के फॉर्म अभी निकले भी हुए हैं, अगर आप लोग चाहें तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्किल सेट्स क्या क्या होनी चाहिए? क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट, गुड प्लानिंग स्किल्स, गुड ऑब्जर्वेशंस, नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट, गुड मार्केटिंग स्किल्स, नॉलेज ऑफ मार्केट रिक्वायरमेंट्स, गुड एट स्केचिंग, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेट्रा। गाइस, आपका बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी में सिलेबस क्या क्या होगा? जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6th semester तक का पूरा सिलेबस दिख रहा है। वीडियो पॉज कर लीजिए और सिलेबस पूरा पढ़ लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6th semester तक का सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से पॉपुलर कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे आप बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, एंजल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तमिलनाडु, पीएचजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई, कुमारागुरु कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बतूर, एनजीएफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पलवल, डीकेटीई सोसाइटी टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कोल्हापुर, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत, बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निकल स्टडीज मुंबई, बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रूरकेला। जॉब प्रोफाइल आफ्टर बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी क्या क्या है? दैट इज अपैरल प्रोडक्शन मैनेजर, टेक्सटाइल डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, पर्सनल स्टाइलिस्ट, फैशन डिजाइनर एंटरप्रेन्योर, फैशन कॉलमनिस्ट, अपैरल डिजाइनर एटसेट्रा। एम्प्लॉयमेंट एरियाज आफ्टर बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी दैट इज फैशन मैनेजमेंट, फैशन जर्नलिज्म, एक्सेसरी डिजाइनिंग, अपैरल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल डिजाइनिंग एटसेट्रा। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एरियाज आफ्टर बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी क्या क्या है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज जिनमें आप जॉब कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी, दैट इज शशि एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, राइडिंग हुड, लोगो फैशन इंडस्ट्रीज, ओरिएंट क्राफ्ट, वेल्सपन इंडिया होम टेक्सटाइल्स, अरविंद लाइफस्टाइल फैब्रिक्स, डेनिम्स, रेमंड फाइन फैब्रिक्स एंड मैनी मोर। आपकी सैलरी कितनी होगी आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है और आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं। अगर आप एक अपैरल प्रोडक्शन मैनेजर हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 2.5 लाख टू मैक्सिमम 12 लाख पर एनम तक हो सकती है।
अगर आप एक टेक्सटाइल डिजाइनर हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 1.9 लाख टू मैक्सिमम 12.2 लाख पर एनम। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 1.7 लाख टू मैक्सिमम 14 लाख पर एनम। अगर आप एक फैशन डिजाइनर हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 1.8 लाख टू 8.5 लाख पर एनम तक हो सकती है। अगर आप एक अपैरल डिजाइनर हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 2 लाख टू मैक्सिमम 14.4 लाख पर एनम तक हो सकती है। गाइस, ये पूरे ईयर एनुअल सैलरी का डाटा हमने आपको एक ग्राफ के थ्रू भी समझाने की कोशिश करी है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो आपको ब्लू वाली लाइन नज़र आ रही है ये आपकी मिनिमम सैलरी है, ब्राउन वाली इज मीडियम सैलरी एंड द ग्रीन लाइन इज मैक्सिमम सैलरी। अगर आप लोग के माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो अबाउट दिस कोर्स तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है allschoolscolleges.com। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप ऑल्सो। टिल देन बाय बाय, हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल स्कूल्स कॉलेजेस को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन ताकि आप सबको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और मिलती रहे। थैंक यू।